हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सिक्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक एग्रीकल्चर और उसका लास्ट लेसन चैप्टर टेन एग्रीकल्चरल सब्सिडरी ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज है ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोग हिस्सा ले सकते हैं पंजाब का जो यूथ है अब हम सबको पता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया खेती में इम्प्रूवमेंट हुई तो पंजाब की नेक्स्ट लेवल पे तरक्की हुई कि वो सेल्फ सफ़िशिएंट हो गया खास तौर पे सीरियल क्रॉप्स के अंदर राइस के अंदर वीट के अंदर ना केवल वो सेल्फ सफ़िशिएंट हुआ बल्कि सेंटर मतलब पूरा इंडिया जितना भी सामान तैयार कर रहा था वो उसमें भी योगदान देने लग गया था आज की डेट में जो पंजाब की तरक्की है वो कहीं ना कहीं रुक गई है क्योंकि इतने छिड़काव होते हैं प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही मेजर क्रॉप्स की इनफैक्ट पंजाब के अंदर एक तिहाई जो किसान है वो छोटे किसान है स्मॉल है मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास जो एरिया है वो दो या दो से कम हेक्टेयर एरिया है तो वो कितना ही उगा लेंगे उनको ज्यादा पैसे मुनाफा होता ही नहीं उसके साथ तो खेती बाड़ी के अलावा उनको कुछ और भी करना पड़ता है ताकि उनके घर पे इनकम आ सके दाल रोटी बन सके तो आज यही पढ़ने के लिए हमने ये क्लास सेटअप की है कि हम बच्चों को एजुकेट करें कि, कि किस तरीके से ये जो साथ में एलाइड एंटरप्राइजेस हैं वो स्टार्ट की जा सकती है बिजनेस आप नया स्टार्ट कर सकते हो बच्चों को जागरूक करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि आप आगे ये मैसेज पहुंचा सको कि खेती बाड़ी के अलावा मेहनत और ऑनेस्टी अगर आपके अंदर है तो आप और भी काफी ऑक्यूपेशन में हिस्सा ले सकते हो जैसे मशरूम उगा सकते हो मधुमक्खियां रख सकते हो डेयरी फार्मिंग वेजिटेबल कल्टीवेशन कर सकते हो एग्रो प्रोसेसिंग जो एग्रीकल्चर से सामान मिलता है उसकी और प्रोसेसिंग की जा सकती है एग्रो सर्विस सेंटर खोल सकते हो तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं खेती बाड़ी के अलावा आप मशरूम्स उगा सकते हो जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है मशरूम की ये अंदर ही उगाए जा सकते हैं अंदर मतलब छत के नीचे उगाए जा सकते हैं अगर वहां पे घास है इनको ज्यादा हवा वाला एरिया नहीं चाहिए इनफैक्ट जो पंजाब की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसने पांच तरीके के जो मशरूम की वैरायटी है वो हमें बताई है एक तो बटन मशरूम मिलते हैं ओइस्टर मशरूम मिलते हैं शिकेटी मशरूम मिलते हैं जो विंटर के अंदर होते हैं सितंबर से मार्च के अंदर उसके अलावा जो समर में मिलते हैं मतलब अप्रैल से अगस्त के बीच में मतलब आप देखो सारा साल मिलते हैं वो है मिल्की मशरूम या पेडी स्ट्रॉ मशरूम बोला जाता है उनको पंजाब में इतनी वैरायटी मिलती है मशरूम की पर सबसे ज्यादा 90 परसेंट जो मशरूम होते हैं वो बटन वैरायटी मशरूम होते हैं पंजाब के अंदर तो आप समर में भी उगा सकते हो विंटर में भी उगा सकते हो छत के नीचे उगाया जा सकता है आपका लैंड वेस्ट भी नहीं होगा मतलब कुछ और क्रॉप आप वहां पे उगा सकते हो उसके अलावा बी कीपिंग की जा सकती है मतलब मधुमक्खियां पाल सकते हो ये बोला जाता है कि कंट्री के अंदर आज की डेट में चौदह हजार मेट्रिक टन शहद बन रहा है जी हाँ और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती कैश भी ज्यादा नहीं चाहिए होता जितना आप लगाते हो एक साल के अंदर ही मुनाफा आना शुरू हो जाता है आपको आज की डेट में हम जो मधुमक्खियां यूज कर रहे हैं शहद लेने के लिए वो है इटालियन हनी बी ये सबसे प्रोमिनेंट ब्रीड है सबसे फेमस ब्रीड है जो पंजाब में यूज की जा रही है सिर्फ मधुमक्खियों से शहद नहीं मिलता पोलन मिलता है बी का वैक्स मिलता है उसके अलावा जेली मिलती है बी वॉम मिलता है बी ब्रूड मिलता है अलग अलग चीजें मिलती हैं शहद के अलावा अब इसको एडॉप्ट करने के लिए कि फार्मर्स मधुमक्खियों को पालना शुरू कर दें उसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है बनाया गया है जो हेल्प कर रहा है फार्मर्स की अच्छा मधुमक्खी के बारे में पढ़ लिया मशरूम के बारे में पढ़ लिया उसके अलावा एक और काम किया जा सकता है इसे हम कहते हैं डेयरी फार्मिंग पंजाब में मिल्च एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं और कितने फार्मर्स हैं जो दूध भी बेचते हैं पैसा कमाते हैं आजकल जो सबसे प्रोमिनेंट वेराइटी है काउस की वो एक जर्सी है और एक हॉल्टियन फिर है इसके अलावा मैंने ये बताना था कि पंजाब में ये हालत हो गई है कि जो कंपनियां हैं वो डोर स्टेप पे आके किसानों को बोलती है यहाँ से दूध लेके जाएंगे हम अपनी इंडस्ट्री में उसे ठीक करेंगे और फिर मुनाफे में उसे बेच देंगे तो जो गवर्नमेंट है वो भी फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड कर रही है अगर उनके पास कम से कम दस गाय है जो अच्छा दूध देती है तो आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो उसके साथ सरकार आपकी हेल्प करेगी चौथी चीज वेजिटेबल की कल्टीवेशन मतलब सब्जियां उगाना मान लीजिए आपके जो लैंड का साइज है वो छोटा है तो आप क्या कर सकते हो ये जो वेजिटेबल्स है इनको वैसे तो घर पे भी उगाया जा सकता है ताकि आप केमिकल फ्री सब्जियां उगाओ और खाओ लेकिन सब्जियों को अगर आपने फार्म्स पे उगाना है ऑफ सीजन मतलब उनका सीजन नहीं चल रहा तो हम क्या करते हैं उनके लिए एक लो टनल टेक्नोलॉजी आ गई है या ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी आ गई है नीचे ना छत सी पैदा कर देते हैं आसपास आयरन रख देते हैं ताकि अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाए और ऑफ सीजन जब उनका सीजन नहीं है तब वो उग जाए और तब उनकी वैल्यू भी पड़ती है उनको बेचा भी जाया जा सकता है तो याद रखना ऑफ सीजन वेजिटेबल्स तभी मिल सकती हैं अगर आप लो टनल या नेट हाउस टेक्नोलॉजी मतलब नेट का एक घर बनाया जाता है आप इमेज में देख सकते हो उसे यूज करो तो गर्मी भी मिलेगी जितनी चाहिए प्लांट्स को और सब्जियां भी उग जाएंगी उसके अलावा आजकल एक और काम फार्मर्स की वाइफ कर रही हैं। उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन एंड एग्रो प्रोसेसिंग अब जो सामान तैयार हो जाता है जो दाले हो गई पल्सेस, सीरियल ऑयल सीड्स सब तैयार हो गए काट लिए अब पहला काम है कि उसको बेच के आओ वरना खराब हो जाएगा पर आप कुछ और भी तो कर सकते हो उसकी और चीजें बनाकर आप अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हो जैसे कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की चटनिया बना ली स्क्वैश बना लिया अचार बना लिया आप अलग अलग तरीके का ऑयल बना सकते हो आटे का अलग अलग वैरायटी निकाल सकते हो ये सब आपको पैसा देंगे इवन जो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है लुधियाना में उसने एक मॉडल दिया है मॉडल ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी यंग फार्मर्स के लिए कि वो अर्ली लाइफ के अंदर जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटी मोटी जो मशीनरी है जैसे छोटी राइस मिल हो गई बेबी ऑयल एक्सपेलर जहां से तेल निकाला जा सकता है ग्राइंडर हो गए फ्लोर के लिए कॉटन गिनिंग मशीन हो गई वो सब आप ले सकते हो इजीली अगला काम है एग्रो सर्विस सेंटर अब जो सरकार है वो पैसे दे रही है यंग लोगों को ताकि वो सेटअप करे एग्रो सर्विस सेंटर जहां से वो लोग आकर मशीनरी खरीद भी सकते हैं खेती के लिए और अगर चाहे तो रेंटल बेसिस पे ले सकते हैं तो ये जो सेंटर है ये चलाया जाता है एजुकेटेड लोगों के द्वारा जो बेनिफिट करता है मुनाफा करता है छोटे फार्मर्स का मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स का जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी मशीनें खरीदे तो वो रेंट पे ले लेती हैं, और इसका सेटअप भी जो है वो वहीं के लोगों को दे दिया जाता है पैसा दिया जाता है इसके लिए एजुकेटेड यूथ को मतलब जवान लोगों को जो पढ़े लिखे हैं कि वो ऐसे सेंटर तैयार करें इसके अलावा एग्री लिखे लोग स्टार्ट करते हैं जो एजुकेशन देते हैं फार्मर्स को कि कौन से फर्टिलाइजर यूज करो कौन से बीज यूज करो कौन से केमिकल्स यूज करो मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन एग्री क्लिनिक्स में मिल जाती है तो ये कुछ काम किए जा सकते हैं इसके अलावा पोल्ट्री अंडे का बिजनेस पिग्स का शीप का गोट रेयरिंग रैबिट रेयरिंग वर्मी कंपोस्टिंग मतलब जो अर्थवॉर्म है वो खाद तैयार करे ये सब इनकम ऐड करेंगे फार्मर्स की पर प्रॉब्लम ये है कि उनको इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है पर उसका भी हल है जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है पी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा या फिर आप कह सकते हो कृषि विज्ञान केंद्र पे दी जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फार्मर्स जब चाहे वहां एनरोल करें और ट्रेनिंग ले, ले। इस टाइम पे कोशिश ये की जाती है ये सिखाया जाए कि आप छोटे स्केल पे शुरू करो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपको बड़ा झटका ना लगे कि सारे के सारे पैसे ही डूब गए तो थोड़ा थोड़ा करके आप ग्रो करो बिजनेस के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है और यही थी आज की क्लास तो आप अपने पेरेंट्स को भी आइडिया दे सकते हो इनमें से कोई भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे तिल देन टेक बाय बाय